गेट है शेविंग की प्लीज। मिया, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। फाइव स्टार होटल जैसा बाथरूम विद हिंसवेयर इटालियन कलेक्शन। जय हिंद, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है जीबी पंत अस्पताल के सामने जो कैंटीन है हम वहां पे खड़े हैं और एक मसला सामने आया है एक्सीडेंट का और जिस महिला का दुर्घटना हुआ है हम उनके परिवारजन से पहले बात करेंगे और जानेंगे पूरा मसला क्या है। जय हिंद सर। जय नमस्कार। तो ये हमारी साली जो थी आपका छठम थाना में पोस्टिंग है, तो वो क्या नाम है आपकी साली का? लीला देवी। लीला देवी, तो रात को 7 बजे चलान के लिए खड़े हुए थे तो पुलिस में थे लीला जी। हाँ, परमानेंट होम गार्ड है। चलान पे खड़ी थी वहाँ पे चाटम जेटी पे? नहीं, चाटम थाना का सामने। चाटम थाना के सामने, राइट। तो उत्तरा में 2 बच्चा लोग आए स्पीड से, तो इनको रुकाया गया, तो रुका नहीं, वो चाटम की तरफ चले गए। फिर चाटम से घूम के फिर लौट के आने, तब इतना स्पीड था कि साइड में खड़े थे तो उसको मार दिए पड़ते। ओके, मारा तो ये उत्पात पे गिरी और उसके बाद तो फिर बेहोश कतरा हो गई, फिर मेडिकल लाया गया। मेडिकल, ये कब की घटना है सर? 31 का रात को 7 बजे, 31 जुलाई का। 31 जुलाई का जी। हाँ, तो उसका बाद में फिर तो आज तक वही तरह बेहोशी हालत में है। अच्छा, उसी दिन आप लोग लीला जी को अस्पताल लेकर आ गए थे, उनको एडमिट कर दिया गया रात को कर दिए थे। पुलिस डिपार्टमेंट के पूरे सब स्टाफ लोग आए, भागते रात भर, खून वगैरह, ब्लड वगैरह जो कुछ भी चढ़ाना था सब मदद करे। बड़े से बड़े साहब लोग भी सब आए, हमारे एसपी साहब वगैरह सब। दिन का दिन उसी तरह तकलीफ हो जाता है और बढ़ते जाता है। फिर साजी साहब जो वो देखते है, साजी वर्गीस, डॉक्टर साजी वर्गीस और क्या शमीम डॉक्टर, वही लोग देख रहे है। तो बताए थे कि सिर में थोड़ा चोट लगा हुआ है पूरा, इससे इसको होश वगैरह नहीं आता, जब तक हम थोड़ा होश में आएगी तो हम कुछ काम कर सकते। तो अभी तो सर मिडिल क्लास से है, इनको मिलन वगैरह लेके जाना अभी बहुत ही तकलीफ में है अभी हम लोग और हमारा परिवार में। हम ही लोग मिल पाल के चलाते, हम तो रिटायर वाले हैं सब, इसी से हमारा संघ में सपोर्ट में यही है। तो हमसे यही निवेदन है कि हमको थोड़ा डिपार्टमेंट में मदद करे और जो भी है इनको थोड़ा किनारा करके। सर, ये ऑन ड्यूटी ये इंसिडेंट हुआ था, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही? नहीं, मदद मिल रही है, उसके स्टाफ भी आ रहे हैं सब, हमारे 24 घंटे आके देखते हैं, रात को भी दिन को भी देखते हैं। लेकिन साहब मैडम साहब बोली थी एसपी साहब कि थोड़ा नॉर्मल होने से जितना खर्चा हम लोग सब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देंगे लेकिन थोड़ा नॉर्मल होना। और जेबी पंत अस्पताल में इतने दिनों से, आज कितना 6 तारीख हो गया, 5 तारीख हो गया, पिछले 5-6 दिन से यहाँ एडमिट है। जो नर्सेस है, डॉक्टर है, सब ठीक से देख रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा से देखते हैं, बहुत अच्छा से देखते, दवाई वगैरह सब। बिल्कुल, एक स्टाफ जो है वही बैठ के वही देखते रहता रात दिन सब। हम नहीं बोलेंगे कि खराब है, सब पूरा हेल्प करे, कपड़ा मुंह पोछना, ये करो वो करो, सब कुछ लोग बताते हैं, हम लोग साथ में रह के करते हैं सब। लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि डिपार्टमेंट मेडिकल का कोई खराबी नहीं है सर। और आपके पुलिस प्रशासन भी आप लोगों का पूरा सहयोग कर रही है और आगे जो भी जरूरत है, जिस प्रकार की भी मदद जरूरत है ऑन ड्यूटी स्टाफ के लिए, वो मुहैया कराने के लिए तैयार है सर। इसीलिए और हम चाहते हैं कि और आइंदा ऐसा कोई एक्सीडेंट किसी दूसरे का साथ ना हो, कि इस बच्चे लोग के ऊपर कोई लगाम लगाया जाए सर। तो इसी तरह करके थोड़ी हेल्प कर। आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी वही चाहती है कि मतलब वो जो है उनको बिल्कुल भी मतलब सजा मिलना ही चाहिए, क्योंकि अभी ऑन ड्यूटी स्टाफ के ऊपर में इस तरह हो गया। ठीक है, अभी वही जगह अगर कोई सिविलियंस जो है, ठीक है, अगर पुलिस वाला सिविलियंस के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, उनका एक्सीडेंट कर देता है, अब तक तो कितना प्रेशर हो जाता, कितना हो जाता था। तो अभी वही जब एक
पुलिस वाले के ऊपर ऑन ड्यूटी हुआ है तो उनका कोई नहीं है क्या? उनको देखने के लिए कोई नहीं है? उस व्यक्ति के ऊपर में पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज हुआ है? उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट दर्ज हुआ है, ठीक है, बट अभी वो जो है अंडर एज है बोल करके इसीलिए वो मतलब अपना पुलिस के ऊपर उल्टा इल्जाम दे करके मतलब पुलिस मेरे को मारा है तो हम बहुत इंजर्ड हो गया है तो पुलिस के ऊपर उल्टा वो कंप्लेंट कर दिया है, उनके पुलिस के ऊपर में FIR कर दिया है। हाँ, और वो एडमिट था जब मेरी मासी को 31 को लेकर के आया और वो जो है 2 तारीख को उनको जो है मतलब जज ने जो भी था जज ने बोल दिया था कि इनको भी तो मतलब आकर कंडीशन देखे क्या है करके सब देखने के बाद में बोले कि इनको तो बिल देना तो मुश्किल है तो वो क्या करा अपना तरफ से जितना हो सका मेडिकल ग्राउंड में जो है एडमिट हो गया। हाँ, तो अभी हम वही चाहते हैं मतलब इतना दिन तक तो वो एडमिट ही था, अब वो एडमिट है कि नहीं है वो हम नहीं जानते हैं और उनका फैमिली से हर एक जना आकर के बोल रहा है कि मतलब अरे बच्चा का तो गलती नहीं था, वो मैडम जो है जानबूझ के मतलब बीच में आ गई, बीच में कूद गई, ऐसे करके मतलब उनका फैमिली से रात को आकर के हर दिन कोई ना कोई आकर के हमसे ये सब बात बोल रहा है, वो तो बच्चे है, बच्चे लोग को माफ कर दो, उनसे गलती से हुआ है, धोखा से हुआ है। धोखा से होने से पहला बात गलती धोखा ये जो है मतलब अनजाने में हुआ होता तो माफ कर सकते थे, तो बिना हेलमेट A16 में, ठीक है, वो लड़का गाड़ी लेकर के चाटम कैसे पहुंचा पहली बात, ठीक है, उनको मतलब दो जन थे और जिनका गाड़ी है उनको जो है छोड़ दिया और गाड़ी को सीज कर दिया गया, ठीक है, और वो जो चला रहा था उसको खाली जो है मतलब वो करे। हम वही चाहते हैं कि जो मतलब एक्सीडेंट किया हुआ है उनको सर सजा मिले, चाहे वो अंडर एज हो या कुछ भी हो, हम सोचते कि उनको सजा मिलना ही चाहिए क्योंकि उनका कंडीशन देखिए सर, ICU में आके उनका फैमिली को बोलो एक बार वो लड़का को लाके वो ICU में दिखाइए उनको। अभी लीला देवी जी ICU में एडमिट हो, वो भी सर वो वेंटिलेटर में है, सांस नहीं ले रही है सर, उनका ऐसा कंडीशन है सर, कुछ हम लोग बोलने से रिस्पॉन्स करने से उनके आंखें बगल बगल से पानी आ रहा है, तो सोचिए सर क्या कंडीशन में होगी वो लेडी। मगर ये बच्चा को तो हम लोग बाहर बाहर वाले आके बोल रहे थे ये बच्चा तो बिरयानी खा रहा है, बच्चा तो आराम से वीडियो गेम खेल रहा है, तो उनका कंडीशन देखिए ना सर क्या कंडीशन है। उस लड़की को मैंने जब देखा था फर्स्ट टाइम उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई गिल्ट है ही नहीं, अंदर से एक शर्मिंदा रहती कि अरे भाई मेरे से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, वो आंटी कैसी होगी, ऐसा उनको तो कुछ फील है ही नहीं, मतलब वो क्या है कि मतलब हम तो भाई हाँ हम अंडर एज है हम बच जाएगा मेरा तो कुछ नहीं कोई कर सकता, ऐसे थिंकिंग ये इसमें नहीं रहना वो बच्चों को नहीं, आप निश्चिंत रहिए हमारे देश के कानून में अंडर एज के लिए भी जो सजा है हमारी सरकार हमारी प्रशासन जो है वही एकदम सुनिश्चित करेगी कि उसी के तहत उनको भी सजा दी जाएगी अगर उनको गुनाहगार पाया जाता है, क्योंकि कुछ भी डिसीशन लेने से पहले उसकी तहकीकात तो होती है ना, हर चीज तरीके से तहकीकात होती है। हम एक ही चीज बोलना चाहेगी अगर आप लोगों को तहकीकात करना ही है तो एक बार आकर के मेरे मासी को देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसका कंडीशन क्या है करके, हम एक एक दिन वो एक बेचारी एक सुई से इतना डरने वाली है, आज उसको इतना सुई लगा पूरा हो गया पूरा बॉडी, आज उसको वेंटिलेटर में डाल दिया गया है। इस घटना को अभी आपने लीला देवी जी जो इस वक्त ICU में है और उनका जो इनके उनकी जो हालत है उनके परिवारजन के हिसाब से काफी क्रिटिकल है, एक इंसान जो अपनी ड्यूटी निभा रही थी और वो होमगार्ड में अपना जॉब कर रही थी और पुलिस के साथ में मिलके वहां पे चलान ड्यूटी पर थी, जब वहां पर उन्होंने दो व्यक्ति को जो गाड़ी चला के जा रहे थे उनको रोका चलान के लिए तो वे नहीं रुके, वे वहां से चले गए और दोबारा घूम के आके वही दोनों ने जो है अपनी गाड़ी से हिट कर दिया। क्योंकि ये मामला जो है माइनर का हो जाता है इसलिए हम आप लोगों के सामने उन दोनों बालकों का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम फिर से ये निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों को जो है सही दिशा दिखाइए ताकि वे इस ऐसे किसी भी तरीके की गलत हरकतों पे ना जाए कि इतनी बड़ी मुसीबत हो जाए कि एक परिवार के किसी एक व्यक्ति की ये दुर्दशा हो जाए कि वो आज वेंटिलेटर में अपने जिंदगी और मौत से लड़ने पे मजबूर हो जाए। देखिए हम हमेशा कहते हैं ना कि आपकी एक गलती आप करते हो मगर भुगतना उस बेगुनाह को पड़ता है जिसका इसमें कोई कसूर नहीं होता, इसलिए सड़क पर जब आप निकले तो कृपया करके पूरी तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही निकले। हम सिविलियंस लोग का ही फैमिली होता है क्या, जो ड्यूटी वाले हैं पुलिस ड्यूटी करते हैं उन लोगों का फैमिली नहीं है कि उन लोगों का फैमिली का लाइफ को मतलब कोई है ही नहीं कुछ, मतलब उनको कोई रेस्क्यू नहीं कर सकता क्या, कोई नहीं संभाल सकता, उनका लाइफ भी तो लाइफ है ना, अभी वो जो जिंदगी और मौत का बीच में जूझ रही है फिर उनका लाइफ लाइफ नहीं है क्या? अगर वही जगह कोई सिविलियंस को अगर इस तरह हुआ होता तो कितना अभी तक
जुलूस निकल जाता है, ठीक है। अरे पुलिस वाले लोग, अभी विमला जी का हमने देखा, ठीक है, पुलिस वाले लोग उनको मार दिए, इनको मार दिए। अभी इतना बड़ा मेरी मासी जो है, ठीक है, आज वेंटिलेटर तक में पहुंच गई है, ठीक है, उसके लिए कोई नहीं है क्या? पूरे अंडमान निकोबार की जनता आप लोगों के साथ पूरी सहानुभूति रखती है, आई एम श्योर अबाउट दिस, यकीन करिए। दुआ करो मेरे को, और कुछ नहीं, हम सिर्फ अंडमान की जनता लोग उसी पे चाहती है कि मेरे मासी के लिए दुआ करो सर, क्योंकि वो किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करी, हर एक किसी के लिए हमेशा खड़ी रहती, हमेशा हंस के बात करती, जो देखता उसको यही बोलता, वो मैडम तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी करके, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया करके। हम भी आप सबसे निवेदन करेंगे कि लीला देवी के लिए जो है बिल्कुल प्रार्थना की जाए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और अपनी परिवार वालों के साथ रहे और अपनी ड्यूटी भी करे, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही थी जब ये हादसा हुआ। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब बाद में हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो दोनों नौजवान थे वे अंडर एज है 16 साल, तो सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले ये आता है कि अगर अंडर एज है तो उनको गाड़ी चलाने के लिए परमिशन ही क्यों दिया गया। दूसरी बात की चाटम पुलिस स्टेशन के सामने यह हादसा होता है और उसके बाद में लीला देवी जी को जो जीबीपंत अस्पताल एडमिट किया जाता है और दिन ब दिन पिछले 5-6 दिनों से उनकी हालत जो है नाजुक से और नाजुक हो रही है कि आज स्थिति यह है कि उनको जो है जीबीपंत अस्पताल का जो आईसीयू वार्ड है उसमें वेंटिलेशन में रखा गया है। डेफिनेटली दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है, लेकिन वही परिवारजनों की ये मांग है कि जुविनाइल एक्ट के तहत जो भी सजा होती है वो इन बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम अक्सर ये कहते हैं हमारे किसी भी दुर्घटना वाले एपिसोड में कि हम पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चे बिना लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, और गाड़ी चलाएं भी तो ध्यान पूर्वक चलाएं, मगर यहाँ जो हुआ है वो पूरी तरीके से जो है एक नेग्लिजेंस, टोटल नेग्लिजेंस का एक मामला सामने आया है कि किस तरीके से उन्होंने जो है बिना कानून के डर के जो रवैया यहाँ पे दिख रहा है, जो सुनने हमें मिल रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हमारे पुलिस को इसके ऊपर सख्त रुख अपनाना चाहिए और जो भी सजा एक जुवेनाइल एक्ट के तहत आती है वो उनको अवश्य देना चाहिए, क्योंकि परिवारजनों का ये भी कहना है कि उनके जब परिवार वाले यहाँ पे आ रहे हैं तो वे उल्टा इनके ऊपर ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने जो है उनको धक्का दिया, इस वजह से वो खुद जाकर गिरे। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि पता लगाए कि किन की बातों में सच्चाई है। डेफिनेटली वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा होगा या वहां पे आई विटनेसेस होंगे, और यकीन रखिए कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है पूरी छानबीन करेगी और इसकी सच्चाई को जानेगी ही जानेगी, और जो भी गुनहगार होगा उसको सजा भी दी जाएगी। एक अच्छी बात देखने को यहाँ पे ये मिली है कि परिवारजन जितने भी यहाँ पे खड़े हैं सब ने हमारे पुलिस प्रशासन की पूरी तारीफ की है कि उनका पूरा सहयोग है यहाँ पे, साथ ही जीबीपंत अस्पताल के जो डॉक्टर हैं और यहाँ पे नर्सेस हैं या जो भी अटेंडेंस हैं, इन सब ने जो है लीला देवी जी के इलाज में अपना पूरा सहयोग दिया है। इनको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं है जीबीपंत अस्पताल प्रशासन से, ये एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने आ रही है। अंत में हम यही निवेदन करेंगे जिस तरीके से परिवारजन मांग कर रहे हैं कि हमारी पुलिस जो है एकदम पारदर्शिता के साथ में इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे और जुवेनाइल एक्ट के तहत जो भी सजा होती है इन बच्चों को जरूर देना चाहिए। साथ ही पेरेंट्स को भी सख्त निर्देश देना चाहिए कि वे जो बच्चों को किसी भी तरीके से गैर कानूनी काम करने से रोके। ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ये ध्यान दें कि हमारे बच्चे जो है अंडर एज गाड़ी ना चलाए। अगर वो बिना लाइसेंस के गाड़ी है तो वो अलाउड है, वो चला सकते हैं, लेकिन स्कूटी जो है वो बिना लाइसेंस के हम नहीं चला सकते हैं। इन्होंने चलाया तो चलाया, साथ में उन्होंने ट्रैफिक वायलेशन भी किया, फिर उन्होंने जो है इनके जैसे परिवारजन बता रहे हैं कि उनको रोका गया तो वे रुके नहीं, वहां से गए और दोबारा घूम के आके उन्हीं ऑन ड्यूटी होमगार्ड लीला देवी जी को आके टक्कर भी मारी, ये इनका कहना है। और इनके हिसाब से जो है इसकी जो भी सजा है वो जरूर उन्हें मिलनी चाहिए। अंत में हम आप सबसे ये निवेदन करेंगे कि कृपया जैसे लीला देवी जी की भांजी, सबसे निवेदन कर रही है कि वे उनकी जल्दी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ भी हो जाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज अंडमान 24/7, जय हिंद।